और इसी बीच मेरठ से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर नीरज चोपड़ा के स्टैचू से भाला चोरी होने की खबर फर्जी बताई जा रही है। नेटवर्क 10 की पड़ताल में भाला की हकीकत आई सामने। मेरठ विकास प्राधिकरण ने स्टैचू से बदला भाला और नकली की जगह असली भाला लगाया गया है। डीएम के निर्देश के बाद प्राधिकरण ने बदला भाला और 2 महीने पहले ही प्राधिकरण ने बदला भाला। स्टैचू से भाला चोरी होने की खबर आई थी सामने, लेकिन पुलिस ने भाला चोरी होने की खबर का खंडन किया है। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं मेरठ से, बड़ी खबर आपकी टेबल स्क्रीन पर, जहां पर नीरज चोपड़ा के स्टैचू से भाला चोरी होने की खबर फर्जी बताई जा रही है। नेटवर्क 10 के पड़ताल में भाला की हकीकत आई सामने। मेरठ विकास प्राधिकरण ने स्टैचू से बदला भाला और नकली की जगह अब असली भाला लगाया गया है। वो बुरा लग रहा था, उन्होंने बुरा हटा के अभी आधा लगा दिया। ये बिल्कुल सेटिंग में आया हुआ इनकी, पर ये देख ये बात थी हमारे साथ, ये तो जिन्होंने लगाया था उन्होंने हटा के ही लगाया दूसरा। नहीं देखिए, यहाँ पे एमडीए द्वारा हमारे चौराहे पे एक नीरज चोपड़ा जी की प्रतिमा को लगाया गया था, और जिसमें एक जेवलिन भी था, पर वहाँ के व्यापारियों द्वारा और कुछ लोगों द्वारा, जो स्थानीय लोग हैं उनके द्वारा, ये सुझाव दिया गया कि जो भाला है वो फाइबर का है और इसको चेंज करवा के धातु का लगवाया जाए, जिससे मतलब एक्सीडेंट या किसी भी चीज की वजह से वो डैमेज ना हो, तो वो चेंज करवा के उसको धातु का लगवाया जा रहा है, जिसमें ये भ्रामक सूचना फैल गई है कि वो चोरी हो गया है। तो ऐसा कुछ नहीं है, उसको रिप्लेस किया जा रहा है, और वो रिप्लेस करके जो स्थानीय लोगों की डिमांड पे जिस तरीके से धातु का बनवाना है वही लगवाया।